नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन भरणी नक्षत्र में हुआ है, वो आपको किस तरीके से इफेक्ट डालेगा आपका लिए, अच्छा या बुरा, किन राशियों पे प्रभाव होगा खराब या अच्छा, वो हम लोग न्यूमरोलॉजी की तरीके से जान सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं गोचर को अपने चार्ट में नहीं देख पाते हैं, उनके लिए दिक्कत होती है, तो वो न्यूमरोलॉजी से कैसे प्रभाव में जाने कि आपका नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए अच्छा है या बुरा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल से रेड बटन होगी इसको क्लिक कर दे, उसके बगल में रिंग बेल होगी इसको प्रेस कर दे, ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्याएं हो तो मेल कर देगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, लोशक क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक के भी लाल किताब, टैरो, पॉमेस्ट्री, वास्तु, मैच के प्रेडिक्शन की क्लासेस स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम चलते हैं टॉपिक की तरफ कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन भरणी नक्षत्र में जो हुआ है वो आपको क्या अच्छा रिजल्ट देगा या प्रभाव खराब देगा। देखिए यहाँ पे मैंने मूलांक, जिनका भी मूलांक यानी ड्राइवर नंबर 1 से 9 नंबर के बीच में, 1 नंबर सूर्य का होता है, 2 नंबर चंद्र का, 3 का गुरु, 4 राहु, 5 बुध, 6 शुक्र, 7 केतु, 8 शनि, 9 मंगल का होता है। ये 1 से 9 अंक है। तो दोस्तों राहु अभी इस समय पहले गोचर में किसके नक्षत्र में था, कृतिका नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में। तो सूर्य का अंक क्या होता है, 1 अंक। तो सूर्य से संबंधित जितने भी मित्र ग्रह होंगे उनका आपको रिजल्ट अभी पिछले 1 साल से आपको खराब ही मिल रहा होगा, ठीक है, 1-1.5 साल से। तो सूर्य का कौन सा जिसमें से स्पेशली 1 नंबर वालों के लिए बहुत बुरा गया होगा, और फिर उसके बाद 3 नंबर वालों के लिए भी कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं दिया होगा, ठीक। और अभी राहु का वर्तमान में गोचर जो मेष राशि में चल रहा है वो मेष राशि में, और केतु का तुला राशि में। तो यहाँ पे 9 नंबर है मंगल, और यहाँ पे केतु जो है वो आपका तुला पे, शुक्र का 6 नंबर पे। तो 9 और 6 वालों के लिए दिक्कत आ रही होगी, और उससे संबंधित जो ग्रह हैं उनके लिए भी, यानी कि 5 नंबर 1 नंबर 6 5 नंबर, इन पे भी दिक्कत आ रही होगी। तो अब आपको ये कैसे जानना है कि राहु का जो वर्तमान राशि गोचर परिवर्तन भरणी नक्षत्र में हुआ है वो कैसे रिजल्ट देगा। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1993, मूलांक और भाग्यांक इनका 1 और 4 है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि इनका मूलांक और भाग्यांक को जोड़ देना है, यानी कि ड्राइविंग और कंडक्टर नंबर जोड़ देंगे तो 1 और 4 को जोड़ेंगे 5। इनका लोशो ग्रिड क्रिएट कर लेना आप लोग, 4399211, ये लोशो ग्रिड बन गया। अब आपको पर्सनल ईयर, हमने आपको बताया था कि बर्थ डेट प्लस बर्थ मंथ, ठीक है, ये आपको निकालना है, बर्थ डेट प्लस बर्थ मंथ है और प्लस करेंट ईयर। तो इसमें आपको निकालना क्या है, बर्थ डेट आपका 10 है तो 10 का 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा है, और प्लस आपका ड्राइविंग और कंडक्टर का यहाँ पे आप लोग जोड़ कर लीजिएगा तो ये अंक आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 5 10 आ जाएगा, 1 अंक बनेगा। और जो राहु किसके नक्षत्र में गोचर किया, राहु का अंक ले लीजिएगा 4, और किसके नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र का जो शुक्र मालिक होता है उसका अंक क्या होता है, 6। तो आपको 6 और 4 जोड़ दीजिएगा, और जो टोटल आए अपने बर्थ डेट और ड्राइविंग और कंडक्टर का, बर्थ डेट और ड्राइविंग और कंडक्टर का जो अंक है उसको जोड़ दीजिएगा उसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 10 10 20, 2 अंक। तो 2 अंक आया, शुक्र का अंक आ रहा है, चंद्र का अंक आ रहा है। तो ये आप जानते हो कि राहु चंद्र का दुश्मन है, तो ये आपका गोचर परिवर्तन आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आपको अपना ड्राइविंग कंडक्टर निकाल लेना, मूलांक और भाग्यांक उसको जोड़ लीजिए, उसका अंक लिख लीजिए, ठीक। और पर्सनल ईयर नंबर निकालने के लिए आपको बर्थ डेट ले लीजिएगा, और अपने ड्राइविंग और कंडक्टर का नंबर जो जोड़ा हुआ है वो ले लीजिएगा। तो बर्थ डेट है 1 है, और ड्राइविंग कंडक्टर अंक आया 5, और ये जो 6 और 4 जो आया, यानी कि राहु का अंक ले लीजिएगा, और राहु जिस नक्षत्र में गोचर किया है उस नक्षत्र का अंक क्या है, वो 6 नंबर। तो 6 और 4 10 हो गया, और 5 और 1 6 हो गया, तो आपका 6 10 16 7, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने ये दूसरे से कर लिया था पहले के अंक से, तो इस वजह से कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट आ रही है। तो यहाँ पे 6 नंबर 7 नंबर आ रहा, तो 7 नंबर भी इनके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो मिसिंग नंबर है, तो इनका गोचर परिवर्तन खराब जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं कि राहु का वर्तमान राशि गोचर परिवर्तन अच्छा है या बुरा, ये जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अल्पु चैनल को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। समस्याएं हो तो मेल जरूर कर देगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है।